हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरुजी यूट्यूब चैनल। विटैलिटी T20 ब्लास्ट या फिर इंग्लिश T20 ब्लास्ट का जिसे आप कहते हो, उसके 3 मैचेस आज खेले जाएंगे। तो बाकी मैचेस भी आपको मैं अपलोड कर दूंगा, एक तो कर चुका हूँ, बाकी 2 मैचेस हैं जिसमें से एक ही वाली वीडियो बन रही है। तो शुरू करते हैं, यॉर्कशायर वर्सेज डरम का ये मैच है। इससे पहले मैं शुरू करूँ, उससे पहले स्क्वाड एक बार जो अनाउंस किया गया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गैरी बैरेंस, टिम ब्रेजनन, हैरी ब्रुक हैं ये, बेन कॉर्ड हैं, मैथ्यू फिशर हैं, टॉम कॉलर, कैडमोर, जेक लिनिंग, एडम लाइथ, स्टीवन पैटरसन, आसिम रफीक, शॉ और टॉटरसल। तो ये 13 मैन का स्क्वाड यॉर्कशायर ने अनाउंस किया है। अगर हम डरम की तरफ चले तो डरम ने टॉम लेथम कैप्टन है, जिसमें ग्रैम क्लार्क हैं, बेन स्टोक्स भी इस वाले मैच को खेलेंगे, पॉल कॉलिंगवुड हैं, विल स्मिथ हैं, गैरेथ हार्ट है, स्टुअर्ट पॉइंटर हैं, रायन प्रिंगल, जेम्स वीगल, नेथन रिमिंगटन हैं, बैरी मैकार्थी हैं, क्रिस रैशवर्ड, इमरान ताहिर और बेन वाइट हेड हैं। तो बेन स्टोक्स जो हैं वो स्क्वाड के अंदर हैं, इंडिया वाले जो 3 वनडे इंटरनेशनल होने हैं तो उसके प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इंजरी में चल रहे थे तो थोड़ा बहुत मैच प्रैक्टिस के लिए वाला मैच खेलने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं पूरे से एक बार जो प्रीव्यू होता है। तो ये मैच होने वाला है हेडिंगली लीड्स पे। इससे पहले जो 7 मैचेस लास्ट ईयर यहाँ पर हुए थे नटवेस्ट T20 ब्लास्ट के 2017 में, उसमें क्या क्या हुआ, तो जो पहला मैच था उसमें 227 रन यॉर्कशायर ने करे, 180 करीब नॉटिंगहमशायर ने करे, फिर यॉर्कशायर ने 180 करीब अगले मैच में करे वॉरविकशायर के अगर, जिसमें 150 पर ऑल आउट वॉरविकशायर हो गई थी। फिर अगर हम देखें यॉर्कशायर ने 233 फिर करे, फिर 196 करे वर्स्टेशर ने यॉर्कशायर, फिर 180 दोबारा। फिर आप देख सकते हो रन्स यहाँ पर बन रहे हैं 260, ये एक तरह का रिकॉर्ड भी था इस नेटवेस्ट T20 ब्लास्ट का, जिसमें 162 आई थिंक एडम लाइथ ने मारे थे। तो 2 शतक मार चुके हैं एडम लाइथ लास्ट सीज़न के। अगर हम यहाँ से देखें यॉर्कशायर और डरम का जो लास्ट सीज़न में जो मैच हुआ था उसमें 152 ही बना पाई थी यॉर्कशायर, पर वाला मैच जीत लिया था उन्होंने। विली ने 44 करे थे, शॉन मार्श खेलते थे उस टाइम यॉर्कशायर से, तो 36 रन उन्होंने करे थे। पॉल कॉलिंगवुड ने 3 विकेट ली थी और कॉफलिन ने 2 विकेट ली थी। यहाँ से अगर हम देखें डरम ने स्टुअर्ट पॉइंटर 35 रन करे थे, मार्क रिचर्डसन ने भी यहाँ पर 25 रन करे थे, पर आज का मैच माइकल रिचर्डसन नहीं खेलेंगे, याद रखना स्क्वाड में नहीं है वो। आदिल रशीद ने 4 विकेट ली थी और टिम ब्रेजनन ने 1 विकेट ली थी। वेदर यहाँ पर क्लाउडी रहने वाला है, थोड़ी बहुत बारिश भी होगी बीच में, पर मैच के टाइम पर शायद ना हो बारिश, तो आप ये सोच के चल सकते हो कि बारिश नहीं होने वाली है। अब इंपॉर्टेंट प्लेयर एडम लाइट, टॉम कॉलर, कैडमोर, बेन स्टोक्स, टॉम लेथम, रिचर्डसन तो नहीं है, रिचर्डसन कार्ड देना यहाँ पर, और टिम इमरान ताहिर, तो ये 5 प्लेयर्स हैं, रिचर्डसन नहीं है। तो ये 5 प्लेयर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट आपके लिए इस वाले मैच के लिए हो सकते हैं। अब यॉर्कशायर की टीम की तरफ चलते हैं, जो कि इनकी प्लेइंग 11 होने वाली है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो लाइथ कैडमोर ओपन करेंगे, हैरी ब्रुक्स जो है वो वन डाउन खेलने आएंगे, फिर गैरी बैलेंस है, टॉटरसल हैं, लेनिंग है, जेक लेनिंग 6 नंबर पर आएंगे, फिर आएंगे टिम ब्रेजनन, मैथ्यू फिशर, स्टीवन पैटरसन जो कि कैप्टन है, बेन कॉर्ड और आसिम रफीक, शॉ और ब्रुक्स जो है वो बैठ सकते हैं बेंच पर। अब चलते हैं डरम की टीम की तरफ, ग्रैम क्लार्क, टॉम लेथम, ऐसा भी हो सकता है पॉल कॉलिंगवुड ऊपर आ जाए ओपन करने, इसका बहुत बार ऐसा भी हुआ है T20 मैचेस में ओपन करने आए थे, रॉयल लंडन वनडे कप में हमने देखा था कि कॉलिंगवुड ओपन करने आए थे, तो ये चांस बन सकता है। विल स्मिथ थोड़ा निस्सा नीचे आ सकता है, टॉम लेथम वन डाउन आ सकते हैं, तो विल स्मिथ नंबर 3 पे मोस्ट प्रॉबली, अगर नहीं होता तो ऊपर भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, पर प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से ये खेलेगी। बेन स्टोक नंबर 4 पर, फिर कॉलिंगवुड, गैरेथ हार्ट, स्टुअर्ट पॉइंटर, नेथन रिमिंगटन, वीगल, जेम्स वीगल, क्रिस रैशवर्थ और इमरान ताहिर। नीचे से कुछ ऑप्शंस भी हैं जो कि हैं बैरी मैकार्थी, रायन प्रिंगल और वाइट हेड। अब ड्रीम 11 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया ये मैचेस हैं मिडिल सेक्स सारे, तो ये वाली वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आई बटन पे आपको जल्दी से मिल जाएगी, यहाँ पे पॉपअप हो रही है, इस पर क्लिक करके वाली वीडियो देख लेना। अब चलते हैं लैंकशायर वर्स्टेशायर वाले मैच की तरफ, तो इसमें भी आपको वीडियो मिल आने की कोशिश बहुत ज़्यादा करूँगा मैं, तो ये ऑलमोस्ट अपलोड कर दूँगा, तो दिक्कत मत लेना इस वाले मैच की भी। अब चलते हैं यॉर्कशायर डरम की तरफ, जो कि ये वाला मैच है, एक बार टीम दिखा देता हूँ क्या मैंने बनाई है। तो यहाँ से जोनाथन टॉटरसल को मैंने लिया, ज़्यादा चांसेस इनके हैं मेरे को ऐसा लगता है स्टुअर्ट पॉइंटर से ज़्यादा बैटिंग आने के। अगर हम चलें यहाँ पे तो एडम लाइथ को मैंने लिया, टॉम लेथम को लिया हुआ, टॉम कॉलर, कैडमोर को लिया हुआ, और नीचे से मैंने यहाँ से लिया हैरी ब्रुक्स को, जिनके 7.5 क्रेडिट हैं मेरे हिसाब से, नंबर 3 पे बैटिंग करने आएंगे, और हमने रॉयल वनडे कप में देखा था ज़्यादातर मैचेस खेले थे जिसमें चेतेश्वर पुजारा नहीं थे, और भी मैचेस खेले थे, तो हैरी ब्रुक्स मुझे लग रहा है आज का मैच खेलेंगे। यहाँ से ऑप्शन जो है वो अच्छा बनेगा आपके लिए, यहाँ पर है गैरेथ हार्ट एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर रहेगा, जेक लेनिंग एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, और एक अच्छा ऑप्शन जो है वो है गैरी बैलेंस का, पर थोड़े से क्रेडिट इनके हाई हैं। अब 3 जो ऑलराउंडर मैंने लिए हैं, बेन स्टोक्स, पॉल कॉलिंगवुड और टिम ब्रेजनन को लिया हुआ, यहाँ से ऑप्शन जो बचता है आपके पास वो है विल स्मिथ, जो कि एक अच्छा ऑप्शन रहेगा।
रायन प्रिंगल थोड़ा नीचे आएंगे, और इतना कुछ खास भी नहीं करा है इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में। रॉयल वनडे कप भी देखे इस सीज़न कुछ खास इतना नहीं करा है। अगर वैसे भी मुश्किल लग रहा है खेलना इनका प्लेइंग इलेवन में, तो रायन प्रिंगल को थोड़ा सा रिस्की रहेगा आपका। अब तीन जो बॉलर मैंने लिए हैं वो मैं दिखा देता हूँ। नेथन रिमिंगटन को लिया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रही थी बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी, बैटिंग भी अच्छी कर रहे थे। इमरान ताहिर आपको पता है क्या कर सकता है, लेग स्पिनर है, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। चाहो तो स्टीवन पैटरसन को भी ट्राई कर सकते हो यहाँ से। और नीचे से मैंने लिया है मैथ्यू फिशर को, यहाँ से एक अच्छा ऑप्शन रहेगा बेन कॉड, और नीचे से आसिम रफ़ीक भी अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप इनके देखें तो 20 से 22 विकटें इन्होंने नेटवेस्ट T20 ब्लास्ट में ली थी। नेक्स्ट करके कैप्टन वाइस कैप्टन बना देता हूँ, तो एडम लाइट को कैप्टन कर रहा हूँ, वाइस कैप्टन टॉम लैथम है अपने। बेन स्टोक्स बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन आपके लिए रह सकता है यहाँ पर इस वाले मैच में, बेन स्टोक्स है। टॉम कॉलर कैडमोर को मत भूल जाना, भी बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन आपके पास रहेगा। तो मैं यही बोलूँगा आपको, ये चार ऑप्शन लेके चलना स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन बनेंगे, तो आप उनको ट्राई कर सकते हो। पर मेरे हिसाब से ये चार ऑप्शन सही रहेंगे स्मॉल लीग के लिए। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक का बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।